हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद संदीप। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है sp2। देखिए, वन सिग्मा, सेकंड एंड थर्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है, वो तो काउंट होता नहीं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 है तो इट मीन स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, प्लेनर, ट्राइगनल प्लेनर। हां जी, स्ट्रक्चर से पहले हम बात कर लेते हैं इनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना, सॉरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना, ये वाला जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। ये हम फर्स्ट स्ट्रक्चर कह देते हैं और इसको कहते हैं हम सेकेंड स्ट्रक्चर। यह तब है जब इसने एच लॉस नहीं किया, एच लॉस करने से पहले है, और जब भी एच लॉस कर देता है उसको मैं अलग लिख रहा हूं, RCOOH। जब H लॉस कर देते हैं तो ये बनाता है RCOO नेगेटिव H पॉजिटिव। मींस H पॉजिटिव लॉस कर रहा है, इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड किस नेचर का है, एसिडिक इन नेचर है। देखिए, अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये भी रेजोनेंस फिनोमिना शो करता है, कैसे, RCOO नेगेटिव ये अगर यहां शिफ्ट होगा तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, RCO इस पे नेगेटिव आया और ये एज इट इज इसका नेगेटिव गायब हो जाएगा। ये यहां लगा लेते हैं, इसको हम थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको हम कहते हैं फोर्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये वाले जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के, और ये जो दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये है कार्बोक्सिलेट आयन के, जो कि कब बनता है, जब इससे एच पॉजिटिव लॉस होता है। अब देखिए, बात करते हैं स्टेबिलिटी की। इसमें एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव अच्छा भी है, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ये सही नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव मतलब यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, इट मींस अगर हम स्टेबिलिटी या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, इन दोनों स्ट्रक्चर की इक्वल कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड को लेके, कि रेजोनेंस हाइब्रिड इनके बीच का कोई एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये डबल बॉन्ड कभी तो यहां आ रहा है और कभी ये यहां आ गया। जब एक्सरे ने, एक्सरे एक साइंटिस्ट है, जब उसने इसकी स्टडी करी तो ये जो बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है वो कभी यहां भी था कभी यहां, मतलब ये बॉन्ड ना तो कंप्लीटली इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड वाली आई और ना ही इसकी बॉन्ड लेंथ कंप्लीटली डबल बॉन्ड वाली आई, वो इन बिटवीन आया। इट मींस इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनना था वो कुछ इस टाइप से बनना था, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और सारे के बाहर हम लगा देते हैं नेगेटिव। इट मींस अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन का वैकेंट पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का जिसके अंदर लोन पेयर है पी ऑर्बिटल। देखिए, कभी तो ये ओवरलैप करेंगे आपस में, पाई बॉन्ड बना सकते हैं और कभी ये बना सकते हैं, हमने हाइब्रिड बना दिया, बीच वाला हम सिग्मा लिख देते हैं और ये वाले हम लिख देते हैं पाई बॉन्ड, आप हाइब्रिड वाला बना के आओगे। अब बात करते हैं ये एसिडिक नेचर का क्यों है। हमने देखा कि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इट मींस ये इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा और ये इस फॉर्म में तभी आएगा जब एच पॉजिटिव लॉस करेगा, और जो एच पॉजिटिव लॉस करते हैं वो एसिडिक इन नेचर है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन तुम्हारा यहां पे ये हुआ, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम पहले इसके पहले ये बताएंगे रेजोनेंस फिनोमिना इसमें, फिर हम कार्बोक्सिलेट आयन का बताएंगे, फिर हम बताएंगे इसका स्ट्रक्चर, और एक क्वेश्चन ये हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर क्यों है,
उसका आंसर क्या है, क्योंकि एचलोस करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो हाइड्रोजन स्टेबलाइज है, क्योंकि इसके दोनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है, इसके दोनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल नहीं है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है और इसमें एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आ रहा है, इसमें दोनों पे ही चार्ज है, या तो दोनों में चार्ज हो या दोनों में ना हो, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये और ये इनकी स्टेबिलिटी सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों की तो सेम है, इट मींस ये बढ़िया फिनोमिना रेजोनेंस फिनोमिना शो कर रहा है, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, इसीलिए वो किस नेचर का है, एसिडिक इन नेचर। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड ऑफ फॉर्मेशन इसके ऑलमोस्ट 9 या 10 है जो हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप की बात करें तो ये होता है साइनाइड ग्रुप भी कह सकते हैं, इसको आर के साथ जुड़ा होगा, या फिर इसको नाइट्राइल ग्रुप भी हम कह सकते हैं। देखिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन अल्काइल नाइट्राइल ले रहे हैं, मतलब ये अल्काइल भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। आपको करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आप करोगे या तो एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में, दोनों में से कोई एक, इकट्ठा नहीं, दोनों में से कोई एक होगा, क्या बनेगा RCOOH प्लस अमोनिया, मींस यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। अब जो इसका मैकेनिज्म है, देखिए या एसिड यूज हो सकता है या फिर बेस यूज हो सकता है, मैकेनिज्म भी 2 टाइप का होगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे मैकेनिज्म में एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। हां जी, एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म समझते हैं, या ऊपर कर लेते हैं इसको। एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, सबसे पहले आर सी ट्रिपल बॉन्ड एंड अल्काइल साइनाइड, ध्यान दीजिए एसिड कैटलाइज्ड है तो फर्स्ट स्टेप में एसिड ने आना है। अब देखिए इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है और इसमें है पार्शियल नेगेटिव, तो यहां जब ट्रिपल बॉन्ड अटैक करता है एच पे तो इस ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने हिस्से में कौन लेके जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव है, मींस एच पॉजिटिव को कौन जोड़ेगा अपने साथ, नाइट्रोजन, तो कार्बन पे क्रिएट हो जाएगा फुल फ्लैश नेगेटिव चार्ज, फुली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके कौन गया, नाइट्रोजन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर अटैक करेगा, फिर अब एक बात याद रखना, जब भी कार्बन के साथ पहले नाइट्रोजन पड़ा हो और ऑक्सीजन आ रहा हो तो ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन बाहर जाएगा, और जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन पहले पड़ा हो नाइट्रोजन आ रहा हो तो फिर नाइट्रोजन रहेगा ऑक्सीजन बाहर जाएगा। एक बात तो श्योर है कि नाइट्रोजन को बाहर जाना है क्योंकि अटैक करने वाला ऑक्सीजन है, लेकिन सीधा नहीं है जाएगा, काफी स्टेप्स बनेंगे। अब ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे अभी भी लोन पेयर पड़ा तो ये इस एच पॉजिटिव को ले लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन वापिस मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, तो ये बना आर सी ओ एच डबल बॉन्ड NH2 और अब नाइट्रोजन पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। यहां पे डबल बॉन्ड है क्योंकि इसने क्या किया है, फोर्थ बॉन्ड बना दिया यहां पे। नेक्स्ट क्या होगा, अब अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा और यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास क्योंकि उसमें पॉजिटिव है, कमी है उसमें इलेक्ट्रॉन की, आर सी ओ एच ओ एच एच, यहां पे ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, यहां NH2, अब क्या होगा, अब नेगेटिव नहीं आएगा इस पे क्योंकि पॉजिटिव खत्म हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं आए हैं, जो पहले दिए थे वही मिले हैं उसको, तो नेगेटिव नहीं लगाना। अब ध्यान दीजिए इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा, मींस ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को, ये वाला, और ऑक्सीजन क्या करेगा,
सॉरी ये इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले ऑक्सीजन के पास, अब नाइट्रोजन के पास क्या अभी लोन पेयर है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना आर सी ओ एच ओ एच एन एच थ्री पॉजिटिव। अब फिर नाइट्रोजन ने फोर्थ बॉन्ड बनाया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अमोनिया नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड कंप्लीट बन चुका है जो एग्जिस्ट कर सकता है। इट मींस अब ये बॉन्ड जो न्यू बने हैं ये तो रहेंगे, लेकिन ये बॉन्ड क्या होगा यहां से ब्रेक हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करवाना है तो कैसे ब्रेक हो सकता है, ये यहां से एच पॉजिटिव रिलीज करना पड़ेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन भेज दे यहां पे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकल जाए नाइट्रोजन। तो क्या बना है यहां से आर सी ओ ओ एच, ये डबल बॉन्ड बन गया प्लस अमोनिया। अब ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में क्या यूज हुआ है एसिड, किसकी फॉर्म में कैटलिस्ट, तो एज इट इज निकल जाएगा क्योंकि एसिड कैटलाइज वही है। अगर स्टार्टिंग में एसिड यूज हुआ है तो यहां पे हम माइनस एच पॉजिटिव भी लिखेंगे, जो स्टार्टिंग में यूज किया था वो एट द एंड रीजनरेट हो जाएगा। तो दोबारा देखिए इसको, सबसे पहले एसिड का अटैक कौन है नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा उसको एच पॉजिटिव को, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आया, वाटर ने अटैक किया इस पर पॉजिटिव है, इसको खत्म करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको कहते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, नाइट्रोजन भी आ गया। उसके बाद अगेन वाटर ने अटैक किया, फिर नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से एच फिर उसने क्या किया ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फाइनली यहां से अमोनिया रिलीज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना शुरू में जब एसिड यूज किया था वो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है, एज इट इज उसको आपको क्या करना है रिमूव भी करवाना है। अब देखते हैं हम बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, OH नेगेटिव यहां डायरेक्ट अटैक करने आएगा, अब किस पे अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव वाले पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन पे आर सी ओ एच एन नेगेटिव। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें वाटर तो यूज करना ही है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर होगा वाटर, वाटर से एच पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और OH नेगेटिव यहां से रिलीज हो जाएगा जो वाटर के हिस्से में होगा। तो ये बना आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन एच। अब ध्यान दीजिए यहां पे होगा टोटोमेरिज्म, इस स्टेप का नाम हम लिखते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन से हटा के थर्ड पोजीशन पे लगाना, यहां से हम क्या करेंगे यहां से हम हटाएंगे हाइड्रोजन को यहां लगाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो क्या बना आर सी, इस ऑक्सीजन को ऊपर लिख रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये होता है डबल बॉन्ड उसके पास शिफ्ट होता है जिससे हाइड्रोजन हटाए तो हाइड्रोजन लग जाएगा उस पे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा अगेन OH नेगेटिव अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल से जो रिलीज हुआ था, ये आएगा यहां पे, ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये बना आर सी ओ नेगेटिव ओ एच एन एच टू। हां जी अब देखिए वही बात, ऑक्सीजन आया है तो नाइट्रोजन को बाहर जाना पड़ेगा, एक टाइम पे एक ही रहता है तो ये आएगा वापस यहां, ये यहां से रिलीज। अब ध्यान दीजिए एन एच टू नेगेटिव रिलीज हो रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है अकेला, तो वो यहां से एच ले लेगा तो क्या बन के निकलेगा अमोनिया, और इसको सॉल्ट की फॉर्म में छोड़ देगा कार्बोक्सीलेट आयन। तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा एसिड ऐड करना पड़ेगा एंड में स्टेप में, मतलब इसको एच पॉजिटिव मिल जाए वर्कअप करवाने के लिए, या फिर वाटर तो पड़ा ही है ऐसे नहीं भी यूज करते, वाटर पड़ा ही है उस सॉल्यूशन में, वहां से वो क्या कैप्चर कर लेगा एच पॉजिटिव ले लेगा। लेकिन मैकेनिज्म में आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेके आओगे, आपको यही लिखना है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही है क्योंकि मैकेनिज्म में हमने वाटर यूज करा है और वाटर से अपने आप क्या ले लेगा एच पॉजिटिव ले लेगा। मीन्स या इससे वैसे भी जब बेस यूज हो गया तो एसिड यूज करने की कोई नीड नहीं होती। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हमने नाइट्राइल की हेल्प से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। अब देखते हैं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बोनेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आर एम जी एक्स, इसको बोला जाता है अम पोलंग रिएजेंट। अम पोलंग रिएजेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है
कार्बन के ऊपर नेगेटिव क्रिएट होता है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको लिखता हूं CH3MgBr, तो मेटल है तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव और इसमें पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव है, इट मींस ये जिससे बना है, देखिए बनता किससे है, ये मिथाइल ब्रोमाइड से। मैग्नीशियम लेके चलते हैं डाई ईथर की प्रेजेंस में, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव इस पे पार्शियल नेगेटिव था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, इसीलिए रिवर्स ऑफ पोलैरिटी हुई है। कार्बन की यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव है, अनपोलर रिएजेंट इसीलिए बोला जाता है। तो इसकी कार्बोनेशन करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं आर MgX CO2 के साथ, लेकिन आपको ड्राई ईथर लेना है सॉल्वेंट। यहां पे ड्राई ईथर का मतलब है सूखा ईथर भी होता, मतलब है अल्कोहल फ्री होता है, ड्राई ईथर में अल्कोहल नहीं होगा। तो ये बनेगा आर सी ओ नेगेटिव एम जी एक्स। आप यहां पे एक ओवलेंट बॉन्ड भी दिखा सकते हो, आयनिक फॉर्म में दिखाना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो। लास्ट स्टेप में एच थ्री ओ पॉजिटिव, या फिर सिंपल कई बार HCl भी यूज कर लेते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या फिर सिंपल एसिड ऐड कर दो, प्रोडक्ट बनेगा आर सी ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स। आर कुछ भी यूज कर सकते हो, आर की जगह आप मान लो ये एग्जांपल लेते हो CH3 CH3 CH2, ये ग्रुप लगा दो, प्रोपाइल ग्रुप लगा दो, एक्स की जगह पे कोई क्लोरीन लगा दो, आर की जगह ये लगा सकते हो आप एक रिंग लगा के, साथ में क्या करना है MgBr लगा देना, प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पे आर वही चेंज करते जाना, प्रोडक्ट सभी में मैकेनिज्म सेम ही फॉलो होगा। अब देखते हैं क्या मैकेनिज्म फॉलो होने है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आर एम जी एक्स, इस पे हम लगाएंगे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, दिखता पोलर है बट है नहीं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल नेगेटिव है, देखिए चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं फिर भी पोलर नहीं होता CO2, क्यों, एंगल 180 का बनता है, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाती है। तो ये कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आगे। तो ये बना आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे आया नेगेटिव। अब देखिए ये बॉन्ड एक्चुअल में ये नहीं करता होता, ये बॉन्ड का टैग दिखाते होते हैं, अगर सही मायने में देखें तो इस बॉन्ड का टैग दिखाते होते हैं। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रखेगा कौन, आर, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो मैग्नीशियम कहां जाएगा, यहां पे MgX। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या फिर सिंपल HCl, जो क्या प्रोवाइड कर देगा, इसको H पॉजिटिव प्रोवाइड कर देगा, बनेगा आर सी ओ ओ एच प्लस एम जी ओ एच सी एल, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था हमारा सेकंड मेथड जिसमें हमने कार्बोनेशन करी है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। थर्ड मेथड है भाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। इसके लिए आपको नीड पड़ेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड पड़ेगी। अगर हम देखें यहां पे क्या क्या यूज कर सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, तो फर्स्ट हो सकता है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड जनरली H2SO4 ही रहते हैं, या फिर हो सकता है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, या फिर HNO3 हो सकता है खुद एक एसिड है जो। देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, पहली बात तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। खुद रिड्यूस होने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, अब वो गेन करेंगे। अब यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मैग्नीज की यहां पे +7 है, नाइट्रोजन की यहां पे +5 है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ज्यादा ये लॉस नहीं कर सकते, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। जब गेन करेंगे तो खुद की ये रिडक्शन करवाएंगे, मींस कौन सा एजेंट हुए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब इनको हम यूज करते हैं किसी प्राइमरी अल्कोहल के लिए, प्राइमरी अल्कोहल में अपन यहां ले लेते हैं CH2OH, नाम बनेगा इसका बेंजाइल अल्कोहल। इसमें आप यूज कर सकते हो इन तीनों में से कोई एक, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूज नहीं हो सकते, कोई भी यूज कर सकते हो। K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड,
रिंग के साथ वाला जो कार्बन है ना उसकी फुली ऑक्सीडेशन होनी है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर, ऑक्सीजन बाहर, एक ऑक्सीजन तो अंदर है ही, COOH, ये बनेगा बेंजोइक एसिड। और याद रखना ये ग्रुप कितना भी बड़ा होता जाए यही प्रोडक्ट बनेगा। आगे नेक्स्ट हम लेके चल सकते हैं कोई एलिफेटिक लेके चल सकते हैं, ये तो हमने रिंग वाला लिया है, एक एलिफेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CCH3CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH है वो डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन के साथ है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। हाँ जी, इसकी बात करें तो इसके अंदर भी हम सेम रिएजेंट लेते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसमें भी क्या होने वाला है, इसकी फुली ऑक्सीडेशन होगी, ये हो जाएगा CH3CCH3COOH। IUPAC नेम की बात करें तो क्या बनने वाला है, 2-methylpropanoic एसिड, और अगर आप कॉमन नेम की बात करते हो तो ब्यूटायरिक एसिड बन सकता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप पढ़ना इनको रेगुलरली, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक नहीं करवाया इसकी IUPAC नेमिंग, इजी है आप ट्राई करना उसको, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन हाफ लगभग हो चुके हैं इसके, बाकी हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।